महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारांगे अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं सरकार की ओर से जारांगे को मनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर हमला बोला। सुप्रिया सुले ने कहा कि मां विकास आघाड़ी सरकार के दौरान जब राजेश टोपे अभिभावक मंत्री थे, तब मनोज जारंगे 109 दिनों तक आंदोलन पर बैठे थे। उस समय राजेश टोपे ने प्रेम और शांति से बात करके रास्ता बनाया था, साथ ही मौजूदा सरकार को भी इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। सरकार किस लिए है, यह ट्रेन, हेलीकॉप्टर और निजी विमानों में यात्रा करने के लिए नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारांगे अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं सरकार की ओर से जारांगे को मनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर हमला बोला। सुप्रिया सुले ने कहा कि मां विकास आघाड़ी सरकार के दौरान जब राजेश टोपे अभिभावक मंत्री थे, तब मनोज जारांगे 109 दिनों तक आंदोलन पर बैठे थे। उस समय राजेश टोपे ने प्रेम और शांति से बात करके रास्ता बनाया था, साथ ही मौजूदा सरकार को भी इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। सरकार किस लिए है, यह ट्रेन, हेलीकॉप्टर और निजी विमानों में यात्रा करने के लिए नहीं है।